हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बस ये हमारा ओवर होने वाला है अब। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम के। ठीक है, उसमें हमारा जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है वो ओवर हो गया है। एंड करंटली हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज प्लस जो MCQ सीरीज है वो साथ साथ पैरेलली चल रही है स्पेशलाइजेशन की। एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आपके GK का वो भी कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है। एंड कंप्यूटर भी मैं जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इनकेस आपको मेरी चैनल पे अगर प्लेलिस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि स्टूडेंट्स को प्लेलिस्ट विजिबल नहीं है, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, जिसने नहीं किया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे मैंने जितने भी कोर्सेज बनाए हुए हैं सुपरवाइजर एग्जाम के, सबकी लिंक्स जो है अपलोड की हुई है, तो वहां से भी आप वो एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। एंड अगर आप UPSC या State PSC की तैयारी कर रहे हैं एंड आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो भी चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि नितिन सांगवान सर की जो बुक है उस बुक की मैंने कंप्लीट समरी प्रोवाइड की हुई है। पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है एंड वहाँ हमारा पेपर बी कंप्लीट होने वाला है। इनकेस आप ये सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा एंड सब्सक्राइब करना होगा। एंड मुझे कमेंट्स में बताना होगा आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। सिंस दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज, तो अगर आप चाहें मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, जो आपको कमेंट्स में वो हार्ट के अंदर डॉलर साइन वाला सिंबल दिख जाएगा, या अगर आप चाहें तो आप मुझे वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी चैनल की तरफ। उसका UPI ID पिन किया हुआ आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हमने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा था, जहाँ पे किसी एक्ट में कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। सारे एक्ट्स अगर आप ना भी पढ़ो, क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं ऐसी चीजें, आपको ये भी देखना है कि जो कंपोनेंट है उसके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, एंड किस पार्ट का वो कंपोनेंट है, क्योंकि हिस्ट्री जो है ये एक सब पार्ट है आपके बड़े कंपोनेंट का, तो सारे एक्ट्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होंगी, जैसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का है, सेपरेट इलेक्टोरेट उसमें लाया गया था। ठीक है, ऐसे टिटबिट्स आपको याद रखने होंगे। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो DRK है, डायरकी सिस्टम, इट वॉज अबॉलिश्ड इन प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पे इसको अबॉलिश किया गया था। ठीक है, एंड जो प्रोविंसेस हैं देवर गिवन ऑटोनोमस स्टेटस और डोमिनियन स्टेटस, आप बोल सकते हो ऑटोनोमस की थोड़ा उनको इंडिपेंडेंस दी गई थी, ऑटोनोमस स्टेटस या डोमिनियन स्टेटस बोल दो, डोमिनियन स्टेटस या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो डायरकी को अबॉलिश किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, अबॉलिश किया गया था एंड सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो डायरकी हमने पहले भी पढ़ा है एक बारी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। डायरकी में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट्स जिन पे गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। वो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपका हेल्थ हो गया, ठीक है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया कि एग्रीकल्चर पे कौन लॉ लेके आएगा, ठीक है, या आपका हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। तो डायरकी ने क्या किया था, सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड किया था, एक आपके ट्रांसफर्ड थे एंड एक आपके रिजर्व थे। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो किनके पास रहेंगे, वो डायरेक्टली थे अंडर गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एंड जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स किसके पास रहेंगे, ये रहते इंडियन मिनिस्टर्स के पास जो रिस्पॉन्सिबल थे टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इंडियन मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। फाइन, और ये जो इंडियन मिनिस्टर्स थे कहाँ से चूज किए गए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो दो में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल प्लस उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड ट्रांसफर में थोड़ा इंडियन को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में ट्रांसफर सब्जेक्ट्स रखे थे। ठीक है,
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो रिजर्व्ड हैं तो ऑब्वियसली जो मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो रिजर्व के अंडर आएंगे, तो वो किसके पास रखे थे, गवर्नर जनरल के पास डायरेक्टली थे। एंड ट्रांसफर में आप बोल सकते हो इसने वो वाले सब्जेक्ट्स रखे थे जो उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो एक लॉलीपॉप ही दिया था इंडियंस को। फाइन, इन चीजों से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो खुश नहीं होते थे। और एक इम्पोर्टेंट चीज दो हमने पढ़ी, एक तो हो गया प्रोविंसेस में इसको एबॉलिश किया गया था डायार्की को, एंड सेंटर में इसको लाया गया था। थर्ड आप इसमें याद रखोगे बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, बाइकैमरलिज्म क्या होता है, जैसे आपके दो हाउसेस होते हैं उनको हम बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। स्टेट लेवल पे दो हाउसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा बाइकैमरलिज्म है, या आपके जैसे स्टेट्स है, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। अब सारी स्टेट्स में नहीं है इंडिया की, जिन जिन स्टेट्स में एक ही बॉडी होती है उसको यूनिकैमरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसको यूनिकैमरल बोलते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स जो है वहां पे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, जैसे आपका पार्लियामेंट में लोकसभा भी है राज्यसभा भी है। तो वो जो बाइकैमरलिज्म है दैट मींस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे। फोर्थ आप याद रख लो, एक फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया था, फेडरल कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड, जो बाद में क्या बना आपका सुप्रीम कोर्ट। फिफ्थ याद रख लो, फेडरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड, फेडरल बैंक, ये बाद में क्या बना था आपका आरबीआई। फिफ्थ सिक्स इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो, इसमें जो बर्मा है इसको सेपरेट किया गया था इंडिया से, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये कुछ चीजें हैं, अभी हम लेक्चर के एंड में दोबारा रिवाइज करेंगे, ये चीजें आप याद रख लो। इम्पोर्टेंट एक्ट था क्योंकि इस के कोई एक्ट की चीजें थी डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आगे फर्दर उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। अगर आपको याद होगा मैंने आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बताई हुई थी, तो काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है उस पर्सपेक्टिव से भी। तो यहां तक हो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था थोड़ा आपको कहाँ जाना होगा, हमें आगे क्या हुआ था उसको समझने के लिए हमें थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। थोड़ी चीजें उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट हैपेंड इन इंडिया, दैट इट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट वाज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, उसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो मेमोराइज करना ईजी हो जाएगा, और जो ये वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडिया कनेक्शन वाला पार्ट है वहां से एमसीक्यू बनने का चांस भी बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो 1935 का जो एक्ट है, बेस्ड ऑन दिस इलेक्शन हुए थे इन ऑल द प्रोविंसेस इन 1937। ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस इलेक्शन में, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो पहले हमने जो इलेक्शन की बात की थी काउंसिल एंट्री की, तो उसमें हमने कहा था कुछ लोग चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, कुछ नहीं चाहते थे, एंड उसके अकॉर्डिंगली बॉडीज जो है वो दो में डिवाइड हुई थी। ठीक है, तो वो कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं भी देखूं कि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं, एंड साथ साथ आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पूछती हूँ, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी काउंसिल एंट्री की, कुछ लोग चाहते थे इलेक्शन हो, कुछ लोग नहीं चाहते थे इलेक्शन हो, अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे एक स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में जिसको साइलेंट स्प्लिट बोलते हैं, क्योंकि वो सूरत स्प्लिट की तरह वायलेंट स्प्लिट नहीं था, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का हुआ था। जो यहाँ पे काउंसिल एंट्री के बेसिस पे स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसमें कौन सी दो बॉडीज बनी थी, ठीक है, तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे क्या होता है अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर जो है एक्टिवली कमेंट सेक्शन में करोगे, जो काफी कम लोग करते हैं। मैंने कहा दुनिया भर की बातें आप कमेंट सेक्शन में करते हो, जो मैं पढ़ती हूँ मुझे अच्छी भी लगती है वो बातें, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को आंसर करने की भी कोशिश करो, ये आपके लिए अल्टीमेटली यही हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला वर्ल्ड हिस्ट्री आप थोड़ा देख लो, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हो रहा था, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो आगे इंडियन हिस्ट्री है उसका क्या प्रोस्पेक्ट था इंडियन हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में टाइम आ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो क्या हुआ था September 1, 1939, आपको डेट्स नहीं याद रखनी है। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था, जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड को, जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। तो आपको डिटेल में नहीं जाना वर्ल्ड हिस्ट्री की क्योंकि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फाइन, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मैं आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ समझने के लिए। एंड सेकेंड क्या हुआ फिर, 3 सितंबर को जो ब्रिटेन एंड फ्रांस है उन्हें डिक्लेयर की वॉर अगेंस्ट जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी। तो
हमारी दो बॉडीज बन गई, एक थी एलीट पावर और एक था एक्सीस पावर, ठीक है। तो यहां से एलीट पावर में कौन थे? ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड एलीट पावर में थे आपके जर्मनी, इटली एंड जापान, अभी फिलहाल यही थे। तो हुआ क्या, इन्होंने वर्ल्ड वॉर जो है वॉर डिक्लेयर कर लिया, फाइन। एंड जो वॉर है इसके स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो आपका एक्सीस पावर है जिसमें जर्मनी एंड इटली एंड जापान थे, ये अभी जीत रहे थे। उसके बाद लेटर कोर्स ऑफ एक्शन, लो लेटर कोर्स ऑफ इवेंट्स में ऐसा हुआ कि ब्रिटेन बाजी मार गया, लेकिन स्टार्ट ऐसे हुई कि फिलहाल जो जर्मनी इटली जापान है ये जीते हुए नजर आ रहे थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है, वो हमारा कंसर्न नहीं। अब इंडिया में क्या हुआ, ब्रिटेन ने इट इंक्लूड इंडिया इन द वॉर इनटू इट साइड कि हाँ ये हमारे साइड है, विदाउट एनी नेगोशिएशन, विदाउट एनी नेगोशिएशन, कि इंडियंस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, उनसे डिस्कशन किए बिना, उनसे पूछे बिना, दे डिक्लेयर्ड इंडिया पार्टी टू द वॉर। उन्होंने कहा इंडिया हमारे साथ होगा। अब क्यों उनको जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां से वो हार रहे थे, ठीक है, अभी उनका वर्ल्ड वॉर में उतनी स्ट्रांग फुटिंग नहीं जम रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको जरूरत थी लोगों की, सोल्जर्स की, उनको इंडिया के साथ की जरूरत थी, क्योंकि अगर इंडिया जो है, इंडिया कि इंडिया एज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पे ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम चल रही थी। अब जो इंडिया की अपनी प्रॉब्लम चल रही है ब्रिटेन के साथ, प्लस जो ब्रिटेन है इस टाइम वर्ल्ड वॉर में है, अगर ये वाला इशू सॉल्व नहीं होगा तो ये वर्ल्ड वॉर में क्या करेगा ब्रिटेन, ठीक है। ये अब अपने घर में, अपने घर भी इसको नहीं बोलेंगे कि जिसको इसने, जिस पे इसने कब्जा किया हुआ था उसको पहले संभालेगा, वर्ल्ड वॉर को देखेगा। तो इसको हर साइड से इंडिया के सपोर्ट की जरूरत थी। तो ब्रिटेन ने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया है दैट विल बी अ पार्टी टू द वॉर, कि वो हमारी हेल्प करेंगे। तो इस चीजों के बाद क्या हुआ, अभी मैंने आपको बोला था 1937 में इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन किया इस बात पे, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू ऐसा आता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री ने क्यों रिजाइन किया, तो इसका रीजन है क्योंकि दे डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ पार्टी टू द वॉर विदाउट एनी नेगोशिएशन। तो हमारे पास तीन व्यू पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, गांधी जी के, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो गांधी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें इस टाइम पे ब्रिटेन को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वो पहले, हमें उनको टाइम देना चाहिए, वो अपने इश्यूज रिजोल्व करें। गांधी गांधी बीइंग गांधी, उनका यही थॉट था। नेहरू ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे, कि ये हमें क्या देगा, पूर्ण स्वराज, दैट मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट फ्रीडम। मैंने लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में आपको बताया, उसके बाद जो भी इवेंट होगा अब इनका गोल पूर्ण स्वराज ही रहेगा, ठीक है। एससी बोस ने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने कहा ये एक्यूरेट टाइम है ब्रिटिश के अगेंस्ट एक मास मूवमेंट लॉन्च करने का, क्योंकि इस टाइम ब्रिटेन वीक है, मास मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटेन है इस टाइम पे वो वीक है। तो ये तीन व्यू पॉइंट्स थे हमारे वॉर को लेके। फिर आगे क्या हुआ, गांधी फाइनली जो इसमें थे, नेहरू की बात से सपोर्ट, मतलब उस एक्सेप्ट किया उन्होंने, गांधी ने जवाहरलाल नेहरू का व्यू, और उनको डिस्क्राइब किया अपना पॉलिटिकल सक्सेसर। गांधी जी एक्सेप्टेड नेहरूज व्यू पॉइंट और का ये हमारे पॉलिटिकल सक्सेसर रहेंगे आज से 1940s में। पॉलिटिकल सक्सेस, ठीक है। अब इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए, अभी तक 1940s में हम आके 1939 में 1 सितंबर से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, अभी तक जो एक्सिस पावर है वॉर उन्हीं के फेवर में चल रही है, ठीक है। अब इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए वॉयसराय, उस टाइम पे कौन से वॉयसराय थे ब्रिटेन में, वॉयसराय लिनलिथगलो, उन्होंने एक ऑफर प्रेजेंट किया। अब आपको क्या करना है, इन ऑफर्स के नाम याद रखने हैं और वो किस बैकग्राउंड में आया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बैकग्राउंड में जो ये आया ऑफर, उसको बोलते हैं अगस्त ऑफर, ठीक है। ये अगस्त में प्रेजेंट किया गया, इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को, डोमिनियन हो गया मींस विद इन ब्रिटेन, अगर वो एक, उनको हम सेल्फ रूल दे देंगे, लेकिन ब्रिटेन के कॉलोनी, वो अभी भी ब्रिटिश की ही रहेगी लेकिन सेल्फ गवर्न काइंड, वो खुद पे खुद ही रूल करेंगे, डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। उन्होंने इसमें ऑगस्ट ऑफर में ये कहा, तो लंबा है ऑगस्ट ऑफर, आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं रखने, लेकिन इसमें बात हुई डोमिनियन स्टेटस की। अब आपको याद क्या रखना है, रिएक्शन क्या आया, कि हमारे लीडर्स ने क्या कहा,
इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एंड मुस्लिम लीग ने दोनों ने रिजेक्ट किया, क्योंकि अब उनका था कि हमें उनको लगा कि अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज बोल चुका था कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ना कि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग था वो इस वजह से उसने रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनने की कोई बात नहीं हुई थी, एक सेपरेट नेशन की कोई बात इन्होंने नहीं करी थी। तो ऑगस्ट ऑफर को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। अब ऑगस्ट ऑफर आने के बाद भी इंडियंस को लगा कि ये हमें सीरियस नहीं ले रहे हैं, एक तो इनके घर में इतनी बड़ी वॉर चल रही है, अगर इनको हमारा सपोर्ट चाहिए इनको हमें सीरियस लेना पड़ेगा। तो ऑगस्ट ऑफर के बैकग्राउंड में क्या हुआ, कांग्रेस जो है इट स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, कांग्रेस स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो किसके बाद स्टार्ट हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ जो अगस्त ऑफर आया था उसके बाद, उसके फेलियर के बाद एक इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया। तो जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो कौन थे, इसमें आचार्य विनोद भावे, एंड सेकेंड सत्याग्रही वॉज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जो थे ही वॉज पिक्ड अप बाय गांधी हिमसेल्फ। तो पहले सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के, ये नाम याद रख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लोगों को बोला गया आप कहाँ पे चलो, आप दिल्ली चलो, ठीक है, प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट को। तो इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोला जाता है, दिल्ली चलो मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अभी तक फाइनली किसी और नतीजे पे नहीं पहुंचे थे क्योंकि ऑगस्ट ऑफर को भी रिजेक्ट किया गया था। अब वहां से क्या हुआ था वॉर में, 1942 में यूएसए एंड यूएसएसआर, देखो यहाँ पे हमने देखा 1939 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहां तक। फिर 1942 में क्या हुआ था, जो यूएसए है एंड रशिया, इन दोनों ने वॉर ज्वाइन की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से क्या हो रहा था, इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन है, वो जीतने लगे थे, लेकिन फिर भी उनको सेटल डाउन करने थे मसले इंडिया के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत कुछ हुआ हो गया था ऑलरेडी, एंड ब्रिटेन पे अब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन की थी, तो अमेरिका का भी थोड़ा प्रेशर था ब्रिटेन पे कि तुम अपने घर के हालात जो है उनको सुधार लो। तो इसी के चलते क्या हुआ था, और एक प्रपोजल आया था, उसको बोलते हैं क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल, एक मिनट मैं फिर से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो क्रिप्स प्रपोजल में क्या हुआ था, जो ब्रिटेन का, ब्रिटिश का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, उनने अपने कैबिनेट मेंबर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा था 1942 में, और कहा था कुछ पॉइंट्स लेके कि इंडियंस के साथ नेगोशिएट करो, ठीक है। तो कौन थे उस टाइम पे पीएम जब क्रिप्स प्रपोजल आया था, विंस्टन चर्चिल। तो क्या था क्रिप्स प्रपोजल में, पहला डोमिनियन स्टेटस अगेन, वो भी वॉर के बाद। सेकेंड, इन्होंने कहा था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वुड बी टू सेटअप, वुड बी सेटअप टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब क्या कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशन में जो इंडिया के फेवर की बातें थी वो एक एक पॉइंट करके बढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन इंडियंस ने अगेन इसको भी रिजेक्ट किया क्योंकि अब ये फिर से डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। तो इंडियंस को तो ब्रिटिश समझ नहीं रहे थे कि उनको अब इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इंडियन रेस्पॉन्स क्या रहा इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन दोनों ने इसको रिजेक्ट किया, ठीक है। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया, लेकिन इसके बाद इन्होंने लॉन्च की क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा, ठीक। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बेसिकली क्या हुआ, पहले आपको देखना होगा इसका ईयर क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का,
1942 टू 1945, ठीक है। हुआ क्यों था, वाई? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, हम आप एंड तक रहना क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है एंड फिर एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे कब क्या हुआ था, वो आप अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेना, उससे रिवीजन इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका एम क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट का? पूर्ण स्वराज। अब क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी होंगी। हुआ क्या था, इसमें स्लोगन सबसे इंपॉर्टेंट जो दिया गया था वो क्या स्लोगन था? डू और डाई। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डू और डाई स्लोगन जो है ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है, ये आपके क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। और किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिया था उन्होंने? 8 अगस्त को। मीटिंग हुई थी ग्वालियर टैंक या टैंक कुछ भी बोलो इन बॉम्बे, ठीक है। इनने इसमें क्या कहा था, डू और डाई, करो या मरो, अब हमें आजादी चाहिए, बट ही वॉन्टेड इट टू बी नॉन वायलेंट, क्योंकि गांधी जी ने कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, बेसिकली ये मूवमेंट के लॉन्च होने से पहले ही रातों रात सारे जितने लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको अरेस्ट किया, फाइन। दैट मीन्स अब कोई लीडर नहीं रहा मूवमेंट का, तो ये मूवमेंट जो होगी इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है, लीडरलेस मूवमेंट, या इसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि किसी के पास कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई नहीं था, स्पॉन्टेनियसली जिसको जो लग रहा था उसने वो किया, फाइन। एंड ये मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट की तरह ही चली। इसमें आपको याद रखनी होगी बात कि ये मोस्ट वायलेंट गांधियन मूवमेंट थी, मोस्ट वायलेंट गांधियन मूवमेंट। पुलिस स्टेशन वगैरह को आग लगाई थी, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट लीडरलेस थी तो लोगों के जो मन में आया था वो कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नाम आपको और याद रखने होंगे, तो वुमेन ने लीडरशिप लेवल पे काफी अच्छा काम किया, वुमेन ने प्रोवाइड की पार्टिसिपेशन, तो इंपॉर्टेंट नाम है उसमें उषा मेहता। इन्होंने सेटअप किया एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन, आई गेस इस पे मूवी भी बनी, इसमें सारा अली खान ने बहुत ही खराब एक्टिंग की है। वो एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन सेटअप किया गया था, ठीक है। एंड अरुणा आसिफ अली, वो इम्पोर्टेंट नाम है, उसने उन्हें क्या किया था, उन्हें फ्लैग को अनफर्ल किया था, लहराया था, अरुणा आसिफ अली। ये किससे रिलेटेड है? अनफर्लिंग द फ्लैग। तो ये जो स्टोरिया मैं आपको सुना रही हूँ इसी में से आपके एमसीक्यूज आते हैं, अनफर्लिंग द फ्लैग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख लो, ये ऐसे क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी, लीडरलेस मूवमेंट थी, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी, गांधी जी की मोस्ट वायलेंट मूवमेंट रही थी। इसमें आप स्लोगन याद रख लो, डू और डाई का, फाइन। तो आगे चलने से पहले एक बार हम इवेंट्स देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़े, ताकि आप बीच में कहीं ट्रैक लूज ना करो। हमने स्टार्ट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, कांग्रेस ने मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने रिजाइन किया, क्योंकि उनको डिक्लेयर किया गया था कि वो एज अ पार्टी टू द वॉर, ठीक है। उसके बाद अब ब्रिटिश के साइड से क्या हुआ, ऑगस्ट ऑफर आया, देन अगेन जो ऑगस्ट ऑफर है वो फेलियर, उसका भी फेलियर हुआ क्योंकि वो अपील नहीं कर पाया हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो क्या किया गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। आचार्य विनोद भावे पहले सत्याग्रही थे, ठीक है, और किसने उनको पिक किया था, गांधी जी ने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया में, पर वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया इंडियंस को, तो फिर क्या लॉन्च की गई, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, अब इवेंट्स हम कहां तक पहुंचे, 1945 टू 1947 हमें देखना है क्या चल रहा था, या आप इसको पोस्ट वॉर इवेंट भी बोल सकते हो, पोस्ट वॉर इवेंट, ठीक है। अब हम चलेंगे 1945 से 1947 तक। अब इसमें हमें चार इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, देखते हैं हम कहां कहां तक क्या क्या आज पढ़ पाएंगे। पहला है वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, सेकेंड इज आईएनए एंड आईएनए ट्रायल। कुछ कुछ बातें ही हैं थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल जो आपको इसमें याद रखनी है। थर्ड वन इज आर आई एन म्यूटिनी, कुछ नाम आप इसमें सिर्फ याद रखोगे। एंड फोर्थ वन इज इलेक्शन इन इंग्लैंड,
एंड कैबिनेट मिशन। ठीक, चलते हैं आगे। पहला है हमारा वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। देखो, मैंने आपको बोला हमने पहले पढ़ा वॉइस रॉय, लिन लिथ ग्लो हमने पढ़े थे ऑगस्ट ऑफर के टाइम पे। तो वेवल प्लान के टाइम किस टाइम पे आया? जब वॉइस रॉय वेवल बने थे 1943 में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, विक्ट्री हो गई थी एलीट पावर्स की। तो उनको लगा था जो भी उनकी कॉलोनीज हैं, जैसे इंडिया हो गया या नाइजीरिया, कीनिया वगैरह, हम उनको कुछ कंसेशन देंगे। ठीक है, तो वो कंसेशन जो थे वो कैसे सामने आए थे, वेवल प्लान के फॉर्म में। तो इन्होंने क्या कहा था वेवल प्लान में, कि जो इंडियंस हैं दे वुड बी इंक्लूडेड इन टू वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंडियंस वुड बी इंक्लूडेड इन टू वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इम्पॉर्टेंट चीज, एक्सेप्ट वॉइसराय पोस्ट एंड डिफेंस मिनिस्टर पोस्ट, जितनी भी रिमेनिंग पोस्ट हैं, मतलब दो इम्पॉर्टेंट, वॉइसराय प्लस डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट, या कमांडर इन चीफ भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट होंगी वो इंडियंस के लिए होंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इन्होंने कहा था कि एक कॉन्फ्रेंस होगी शिमला में इंक्लूड करने के लिए इंडियंस को इनटू द काउंसिल। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने कहा था एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इनवाइट किया जाएगा। अकॉर्डिंगली शिमला कॉन्फ्रेंस हुई शिमला में ऑब्वियसली, एंड इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वगैरह सबने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हुआ क्या, वॉइसरॉय ने ऑलमोस्ट थर्ड डे ऑफ मीटिंग पे क्या कर दिया, इस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन किया विदाउट एनी फ्यूचर डेट और विदाउट एनी इंटीमेशन, इसको पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो प्लान वगैरह है ये भी सारा फेल हो गया। फाइन, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको यही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वेवल प्लान में। तो क्या इसमें कहा था, इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एक्सेप्ट वॉइसराय एंड डिफेंस मिनिस्टर, सारी पोस्ट जो होंगी वो इंडियंस के लिए रखी जाएंगी। एंड एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था सारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को शिमला में, बट देन उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। इस वजह से ये जो सारा प्लान था इनका, ये फेल हो गया था। तो लास्ट एफर्ट जो था कि इंडियंस को कुछ कंसेशन देने का और इंडियंस को अग्री करवाने का, वो भी फेल हो गया। तो आगे मैंने आपको बोला था आईएनए, एक आईएनए जो है इंडियन नेशनल आर्मी, ये फॉर्म की थी। सेकेंड वॉज आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो स्टार्ट हुई थी 1943 में, किसने स्टार्ट करी थी, इन सिंगापुर बाय सुभाष चंद्र बोस विद द हेल्प ऑफ जापान। ठीक है, जापान की हेल्प से। तो बेसिकली इसके मेंबर्स कौन थे, जो ब्रिटिश ने अपने इंडियंस को भेजा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे फाइट करने के लिए अगेंस्ट जापान। जापान में जापान आर्मी ने क्या किया था, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया था। तो उन्होंने ही मिलके ग्रुप बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी का, और ये किसने फॉर्म की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप इसमें याद रखोगे। लेकिन इसमें हुआ क्या था, लंबी स्टोरी है, इतना आपको नहीं देखना है, कि जापान ने कहा था हम हेल्प करेंगे, बट एंड मोमेंट पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो उस विड्रॉवल की वजह से क्या हुआ था, ये हार गए थे, ये कुछ कर नहीं पाए थे, एंड ये ब्रिटिशर्स के हाथ आ गए थे। अब इनका ट्रायल होने वाला था। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जो आईएनए ट्रायल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये रेड फोर्ट पे हुआ था, नवंबर 1945। इसमें थ्री लीडर्स वर पुट टू ट्रायल, उनके नाम याद रख लो बस। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, सेकेंड वॉज प्रेम सहगल, एंड थर्ड वन वॉज शहनवाज खान। लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से थोड़ा हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बढ़ गई थी। ठीक है, इसमें आपको यही चीजें याद रखनी है। फिर हमने बोला आरआईएन, रॉयल इंडियन नेवी जो है, उसमें एक म्यूटिनी हुई थी। म्यूटिनी क्या होता है, बेसिकली आपके जो सोल्जर्स हैं अगर वो ओपन रिबेलियन करें अगेंस्ट अथॉरिटीज, तो उसको हम म्यूटिनी बोलते हैं। तो रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हुई थी, इंडियन जो सोल्जर्स हैं दे रिवोल्टेड इन द ब्रिटिश नेवी। ठीक है, ऑन टू वॉरशिप्स, एक है आपकी एचएमएस तलवार नियर बॉम्बे, एंड एचएमएस
हिंदुस्तान, कराची, नियर कराची। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, इनने कहा था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है रॉयल इंडियन नेवी में, जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो इंडियन से डिस्क्रिमिनेशन होती है, खाना वगैरह सही से नहीं होता, हमारी प्रमोशन सही से नहीं हो रही है, तो काफी इनके अपने रीजन थे इस न्यूटिनी के लिए। तो इनने क्या किया, एक ओपन रिबेलियन किया था अगेंस्ट अथॉरिटीज। इनको इसमें जो है खासकर हमारे फ्रीडम फाइटर्स का भी सपोर्ट नहीं मिला था ज्यादा, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड एसोसिएशन या एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेवी थी, उनमें लड़ाई होना एंड हमारा आजादी के नजदीक आना, ये प्रॉब्लम अगर अभी इसको एक चिंगारी काइंड थी, अगर इसको अभी फ्रीडम फाइटर्स हवा देते तो इसका रिजल्ट उनको पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में भी देखने को मिलता। इस वजह से इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो इसीलिए आपको बस रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी एक तो रीजन याद रखना होगा, एंड ये वॉरशिप स्किन पे हुई थी, ये याद रख लो। फाइन, उसके बाद फोर्थ वाला जो हमें पढ़ना है वो इलेक्शन हुए थे इंग्लैंड में, एंड जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। उसके बाद हमारा बस ये खत्म होता है, दो तीन टॉपिक्स बचते हैं, एंड फिर आपका माउंटबेटन प्लान लास्ट का, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और बीच में जो गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आधा पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा उसको ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड आपके एमसीक्यू सीरीज हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, इस मंथ में आपका जो मैराथन का रिविजन सीरीज है स्पेशलाइजेशन का वो कंप्लीट होगा। तो एक बार एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या देखा। एक बार एक स्टेट में पहले इसका कलर चेंज करती हूँ। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टार्ट किया, डीआरके। डीआरके क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर होते हैं जो इंडियन मिनिस्टर्स के पास होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड रिजर्व होते हैं जो गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो डीआरके को एबॉलिश किया गया प्रोविंशियल लेवल पे, एंड कहाँ पे लाया गया उसको, सेंट्रल लेवल पे, ठीक। आगे हमने देखा बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल लेवल पे, दैट मींस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अब कहाँ पे ऑपरेट करेगी, आपके स्टेट लेवल पे भी, जिसको हम प्रोविंशियल लेवल बोलते हैं। फेडरल कोर्ट जो आपका सुप्रीम कोर्ट है करंटली, फेडरल बैंक आपका आरबीआई, एंड वर्मा को सेपरेट किया था इंडिया से, तो ये सारी चीजें कहाँ पे हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफी लंबा है, आपको सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लो। फिर मैंने आपको कहा वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ चीजें हो रही थी जिसका इम्पैक्ट हमने इंडियन हिस्ट्री में देखा, जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड, ठीक है, एंड हमारे जो ब्रिटेन फ्रांस है उन्होंने डिक्लेयर की वॉर अगेंस्ट जर्मनी, तो दो पार्टीज में डिवाइड हो गए, एलीड एंड एक्सीज पावर। एलीड हो गए आपके ब्रिटेन फ्रांस, एंड एक्सीज इज जर्मनी इटली एंड जापान, ठीक है। इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, बस हल्का हल्का कोई कोई इन्फॉर्मेशन। तो इंडियन हिस्ट्री में क्या हो रहा था, यहाँ पे इन्होंने इंडियंस को डिक्लेयर किया एज अ पार्टी टू द वॉर कि वो हमारी हेल्प करेंगे विदाउट डिस्कसिंग विद देम, विदाउट एनी नेगोसिएशन। तो इस बात पे कांग्रेस मिनिस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने रिजाइन किया, जो 1937 में इलेक्शन हुए थे एंड गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म हुई थी, ठीक है, उनमें वहां पे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर लिया। तो तीन रिएक्शंस आए थे, गांधी जी के, नेहरू के, बोस के। गांधी ने कहा कि हमें ब्रिटेन को अभी अपने हाल पे छोड़ना चाहिए जब तक वो अपने इश्यूज रिजोल्व करें। नेहरू ने कहा नहीं, हमारे पास एक्यूरेट टाइम है, हम चलो ब्रिटिशर्स का साथ दें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, लेकिन उनको उसकी जगह हमें पूर्ण स्वराज देना होगा, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। एससी बोस ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हम एक्यूरेट एप्ट मूवमेंट में है इस टाइम पे एक मास मूवमेंट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन जो है अभी वीक है। फिर आगे हमने देखा गांधी जी ने नेहरू की बात को माना और उनको उनको अपना पॉलिटिकल सक्सेसर जो है वो डिफाइन डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है। इसके पहले किसको बोलते थे पॉलिटिकल सक्सेसर, वो अपना राजा गोपालाचारी, ये भी याद रख लो। फिर वॉइसरॉय लिनलिथ ग्लो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑगस्ट ऑफर भेजा, ऑगस्ट ऑफर में कहा डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इज ओवर। रिएक्शन क्या आ गया, आईएनसी ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि अब उनके लिए जो डोमिनियन स्टेटस है उसका कोई मतलब नहीं रह गया था, अब उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए थी। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि इसे पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई थी। फिर कांग्रेस ने क्या किया, इसके रिजल्ट में या इसके रिस्पांस में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोद भावे, ठीक है, इनको पिकअप किया था गांधी ने। सेकेंड वन वॉज जवाहरलाल नेहरू। इन इंडिविजुअल सत्याग्रही इसको क्या करना था, दिल्ली जाना था, ठीक है, प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट को, इसलिए इसको दिल्ली चलो गवर्नमेंट भी बोला जाता है। उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आया, उस टाइम पे पीएम कौन थे ब्रिटेन में, विंस्टन चर्चिल। तो इन अगेन का डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आफ्टर द वॉर, और का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियंस खुद बनाएंगे। इसके रिस्पॉन्स में आईएनसी ने भी रिजेक्ट किया, एमएल आपके मुस्लिम लीग, उन्होंने भी रिजेक्ट किया,
आईएनसी ने रिजेक्ट करके क्या आगे लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 टू 1945, रीजन क्या था, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। इसका एम क्या था, स्टार्टिंग से ही पूर्ण स्वराज। इसका स्लोगन क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का, डू आर डाई। डेट किस डेट को ही दिया गया था, 8 अगस्त, कहाँ पे, ग्वालियर टंक इन बॉम्बे। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था कि इसको आपको नॉन वायलेंट रखना होगा, लेकिन हुआ क्या था, सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, लीडरलेस हो गई थी, कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था, इस वजह से काफी ये वायलेंट हो गई। तो इसको लीडरलेस, स्पॉन्टेनियस एंड मोस्ट वायलेंट गांधीयन मूवमेंट बोला जाता है। वुमेन कौन सी इन्वॉल्व थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, इंपॉर्टेंट नाम उषा मेहता, जिन्होंने जो चलाया था एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन, एंड अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने अनफर्ल किया था फ्लैग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब देखो हमने क्या टाइम लाइन थोड़ा यहाँ पे बनाया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या आया, ऑगस्ट ऑफर, उसको रिजेक्ट किया, उसके रिस्पॉन्स में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। ठीक है, फिर क्रिप्स प्रपोजल आया, वो भी फेल हो गया, तो उसके रिजल्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च की 1942। फिर आगे देखते हैं, आगे हमने देखा पोस्ट वॉर इवेंट्स, हमें ये देखने, वेविल प्लान, इंडियन नेशनल आर्मी, आरआईएन, म्यूटिनी, इलेक्शन इन इंग्लैंड एंड कैबिनेट मिशन। वेविल प्लान 1943 में वॉइसरॉय कौन आए थे, वेविल और इंडिया जो एलीट पावर से उन्होंने जीता था, तो उनको था कि कॉलोनीज को हम क्या करेंगे, कुछ कंसेशन देते हैं, तो इंडियंस वुड बी इंक्लूडेड इन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एक्सेप्ट, आपके जो वॉइसरॉय एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं, जितनी सारी पोस्ट हैं वो किन के लिए रिजर्व रखो, सिर्फ इंडियंस के लिए। एंड शिमला इनको बुलाया गया था, इंडियंस को, ताकि उनको मेंबर बनाया जाए किसका, काउंसिल का। फाइन, उसके लिए इंडिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने, वॉइसराय ने क्या किया था, पोस्टपोन कर दिया था कोई एक फ्यूचर डेट देने के बगैर, इसीलिए ये जो प्लान था वेविल प्लान ये भी फेल हो गया। फिर इंडियन नेशनल आर्मी ये फॉर्म की थी सुभाष चंद्र बोस ने विद द हेल्प ऑफ जापान इन सिंगापुर, तो ये इनने कहा था कि अगेंस्ट हम अटैक लॉन्च करेंगे ब्रिटिश के, लेकिन जापान ने एन मौके पे विड्रॉ कर लिया था, तो इसका भी कुछ काम नहीं हुआ था। लेकिन फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, तो गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल, शहनवाज खान, इंपॉर्टेंट नाम इसमें याद रख लेना। रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हुई थी, क्योंकि उनसे एक साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको सैलरी वगैरह का इशू था, फूड हाइजीनिक अच्छा प्रोवाइड नहीं होता था, तो काफी इनके अपने ग्रजेस थे। तो ये म्यूटिनी कहाँ पे हुई थी, 2 ships पे, HMS तलवार एंड HMS हिंदुस्तान, नियर कराची एंड बॉम्बे। ठीक है, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स ने ज्यादा इसको साथ नहीं दिया था, इसको बढ़ावा नहीं दिया था म्यूटिनी को, क्योंकि आजादी की काफी नजदीक थे और उनको इस टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। फाइन, तो यहाँ तक देख लो, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपका लेक्चर ओवर हो जाएगा, तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, जो आपकी MCQ सीरीज है वो मैं नेक्स्ट मंथ से लाऊंगी, उससे पहले आई वॉन्ट कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि MCQ हेल्पफुल तभी रहेंगे और वो तभी आपके काम आएंगे अगर पहले आपने रिवीजन काफी अच्छे से की होगी। तो मैराथन कोशिश करूंगी आगे और एक दो दिन में लाने की, तो आपका इस मंथ, मेरा आइडिया है कि मैं मैराथन करवाऊं और नेक्स्ट मंथ से आपके आप जो MCQ सीरीज है वो चले। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो से फायदा ले रहे हो, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स में बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।